इनमें हम लोग एगो बहुत ही अच्छा ओरिगामी डिजाइन बनाई जा। इनमें हम लोग एगो चौकोन पेपर के मोड़न जा और अपने क्रिया में 17 गो चीज बनाई जा और अंत में एगो बोट या नाव बनाई जा। ये बबलू के कहानी हवे जे गर्मी के मौसम में अपने दादी के यहाँ जाएला, वहाँ एगो झील पायला जहाँ वो सोचेला कि अगर हमारे पास एगो नाव हुई तो बहुत मजा आई। ओकर दादी ओके कुछ पैसा देवे नहीं जा और बबलू वो पैसा लेके मार्केट में जाएला। जैसे ही वो मार्केट में जाएला वो बहुत अच्छा ओके एगो नमक रखे वाला खोखा दिखेला, ऐसा देख के ओके खरीद लेवेला। मार्केट में और आगे जाएला तो ओके दिखेला कि वहाँ रेडीमेड कपड़ा का दुकान भी हवे। दुकान में अलग अलग तरीका का कपड़ा, नया कपड़ा दिखेला ओके। वो दुकान में ओके एगो बहुत अच्छा जैकेट मिलेला जेके एगो कॉलर रहेला और दूगो गोल बांह रहेला, ओके अच्छा कलर भी रहेला और ओके लगेला कि दादी के बहुत अच्छा लगी। वो जैकेट के अपने दादी खातिर खरीद लेवेला। जितने वो और आगे जाएला ओके एगो और दुकान दिखेला जिमे कोनो बहुत अच्छा कपड़ा या शर्ट बेचत रहेला और पैंट भी, तो वो में से एगो पैंट अपने दादाजी खातिर खरीद लेवेला। तनी आगे जाइले के बाद ओके एगो दुकान में नाव भी दिखेला बेचत भइल। बबलू दुकान में जाएला लेकिन ओके दिखेला कि ओकरे अंदर सिर्फ स्टीम बोट हवे के ऊपर दूगो चिमनी हवे। बबलू सोचेला कि ये भाप वाला नाव का हम का करब, हमके तो सिर्फ एगो छोट नाव चाहिए अपने छोट झील खातिर। बबलू तनी और आगे जाएला और एगो यूनिक एंटिक स्टोर में जाएला जिनमें फर्नीचर बिकत रहेला। में ओके टीक वाला टेबल दिखेला तो वो अपने दादाजी खातिर वो टेबल खरीद लेवेला। वो थक गई रहेला तो वो एगो विंड मिल के यहाँ जाएला और वहाँ जाके तनी पानी पी लेवेला। यहाँ आगे जाइले पे ओके एगो दुकान में दू गो नाव दिखेला, दू वाला नाव। बट ओके दू वाला नाव में कोनो मजा ना हवे। तनी आगे जाएला और दूसर दुकान दिखेला, वो दुकान में ओके वापस से नाव बिकत भइल दिखेला जिमे उमे पर्दा वाला नाव ओके दिखत हवे। ओके पर्दा वाला जहाज ना चाहता, ओके तो साधारण नाव चाहत हवे। ओके तो साधारण नाव जाला तो तनी आगे और जाला तो देखेला कि एगो किसान अपने मुर्गा के साथ हवे। वो किसान टेबल के बदले अपन मुर्गा दे देवेला बबलू के, किन जे तेरे ओकरे मुर्गा हाथ में आयला मुर्गा उड़ जाएला। बबलू बहुत उदास हो जाएला क्योंकि वो अपन पूरा पैसा नमक वाला सामान खरीदे खातिर और टेबल खरीदे खातिर लगैले रहला, किट खातिर भी खरीद लस। ओकरे बाद ओकरे पास तो कुछ पैसा ना बचल। जोन मुर्गा उ लेला सा टेबल के बदले वो उड़ गए हुए तो वो बहुत उदास हो जाएला। अपन सर नीचे करके रास्ता पर चलत रहत रहेला, चलत चलत ओके रास्ता के एगो तरफ कुछ पड़ल भइल दिखेला। ओके देख के उस कुछ तो सोचेला, नजदीक जाके वो देखले पे दिखेला कि उता एगो पर्स हवे, तो गिरल भइल पर्स रहला। पर्स पाके बबलू बहुत खुश हो गई, ओके पर्स में कुछ पैसा मिलल। वो पैसा लेके नजदीक वाला कपड़ा के दुकान में जाएला, तो वहां से वो अपने खातिर एगो क्रिकेट का टोपी खरीद लेवेला। तनी आगे जाइले के बाद ओके मार्केट में बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज दिखेला। तनी चलने के बाद ओके एगो दुकान दिखेला जिनमें फोटोग्राफी होत रहेला, तो ओके देखे लगेला। दुकान में ओके फोटो फ्रेम भी दिखेला जिनमें फोटो रखे वाला रहेला। वो तो सोचेला कि दादी के बहुत अच्छा लगी जिनमें वो फोटो रख सके नहीं जा अपने पसंद का, तो वो अपने दादी के लिए एगो फोटो फ्रेम खरीद लेवेला। ऐसा कहले पे बबलू लगभग भूल गईल हवे कि वो तो अपन नाव खरीदे खातिर आयल रहला। ऐसे ही ओके याद आएला कि ओके नाव खरीदे के है, उतनी आगे जाएला तब ओके एगो बहुत बड़ नाव का दुकान दिखेला जहाँ नाव बिकत रहेला। यहाँ पर नाव डिस्काउंट पे मतलब सस्ता मिलत रहेला। वो दुकान में जाइले के बाद ओके बहुत सारा नाव दिखेला और ओके एगो ऐसा नाव भी दिखेला जिनमें दूगो आदमी आमने सामने बैठ सके नहीं जा। ए नाव में पीठ के सहारा दे खातिर सपोर्ट भी रहला। ओके लगेला कि ये हमारे दादा दादी खातिर बहुते अच्छा नाव हवे। अंत में वो नाव के खरीद लेवेला और वो बहुत खुश होएला जोन खरीद लेवे उसे। फिर वो नाव के लेके अपने घर पे चल जाएला अपने दादा दादी के पास।